बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जो टॉपिक क्या बता रहे हैं हम, फाइव किंगडम सिस्टम आज हमने पढ़ना है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी फाइव किंगडम सिस्टम की क्या क्या बेसिस बनाएगी, वो बेसिस हम जो है ना पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इससे पहले तो फाइव किंगडम सिस्टम को आपने बच्चे ऐसे देखना है कि हमारे पास पांच किंगडम है। कितने किंगडम है, पांच। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इसको सात हम लिख देते हैं, ठीक है, और उनको आपने अच्छी तरह फिर याद कर लेना है। नाम पहले आपको याद होने चाहिए, मोनेरा, ठीक है, या ये प्रोक्रियाट भी होता है। मोनेरा के बाद हमारे पास सेकंड किंगडम कौन सा है, इसको मोनेरा के बाद सेकंड किंगडम हमारे पास आ जाता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बाद हमारे पास आ गया फंजाई। अच्छा, अब देखें, आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो मोनेरा है, मोनेरा के बाद मोनरा को पहले क्यों लाया या प्रोटिस्टा को पहले क्यों लाया। हालांकि तो टू किंगडम सिस्टम में पहले प्लांटाई थे और एनिमिलिया, पहले प्लांटाई और एनिमिलिया ना चाहिए। ये एवोल्यूशन की बेस पे, यानी जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आए ना वर्ल्ड के अंदर अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, वो मोनेरा है। मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, फिर प्रोटिस्टा से फंजाई, प्लांटाई और एनिमिलिया बने। प्लांटाई, एनिमिलिया या फंजाई बने, ठीक है। ये पांच किंगडम पहले आपने इनके नाम अच्छी तरह याद कर लेने हैं और बाकी जो है ना अभी इनको हम डिस्कस करते हैं। मोनेरा जो है ना, ये किंगडम मोनेरा या मुनीरा भी इसको पढ़ते हैं, ठीक है, मुनीर से मुनीरा है। तो अब आपने ये देखना है कि जो मोनेरा है इट इंक्लूड द प्रोक्रियाटिक। प्रोक्रियाटिक बार बार हम पढ़ चुके हैं लेकिन इसको फिर देखना है, फिर याद रखना है। प्रो मीन बिफोर और कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल प्रेजेंट ना हो, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल प्रेजेंट ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, मोनेरा कहेंगे, ठीक है। या इसके अंदर प्रॉपर, प्रो मीन बिफोर और कैरियन मीन न्यूक्लियस, इसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये कौन से सेल्स बने हुए हैं, प्रोक्रियाटिक सेल, यानी इनके अंदर कोई ऑर्गेनेल वगैरह नहीं है। अच्छा, ये जो मोनेरा है, ये सारे के सारे जितने भी मोनेरा हैं उन सब के सब वो यूनिसेलुलर हैं, सारे के सारे, यानी उनके अंदर एक ही सेल होता है, सिंगल सेल होता है। लेकिन बाद जो ऑर्गेनिज्म है वो चेंज की फॉर्म में सेल्स आपस में लिंक होके जुड़ के या क्लस्टर जो है ग्रुप बना लेते हैं या कॉलोनीज बना लेते हैं, ठीक है, ग्रुप या कॉलोनीज एक ही चीज है। तो प्रोक्रियाटिक जो सेल है वो बता रहा है रेडिकली डिफरेंट है किससे, यूक्रियाटिक सेल से, यूक्रियाटिक सेल से ये डिफरेंट है। अब प्रोक्रियाटिक में दो किस्म के ऑर्गेनिज्म आते हैं, एक आता है बैक्टीरिया और एक आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा जो नाम है उसको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्जी। क्या कहते हैं जी, ब्लू ग्रीन एल्जी। इसको आपने, या साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम हम क्या पढ़ेंगे, ब्लू ग्रीन एल्जी, ब्लू ग्रीन एल्जी, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, ब्लू ग्रीन एल्जी। तो अब आपने ये देखना है कि जो मोनेरा है इसमें मोस्ट जो बैक्टीरिया, ये हेटरोट्रॉफिक है। हेटरोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने जो फूड रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। और बट सम आर फोटोसिंथेसिस, परफॉर्म अ फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस कर देते हैं। यहाँ से आपने याद रखना, देखिए बैक्टीरिया ना बचे, ये हेटरोट्रॉफ है। बैक्टीरिया क्या चीज है, हेटरोट्रॉफ है। और साइनो से ना स्याणा, ठीक है, स्याणा बैक्टीरिया। स्याणा बैक्टीरिया क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, यानी अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है। क्यों प्रिपेयर कर सकता है अपना फूड, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल इसके साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। अगर क्लोरोप्लास्ट होता फिर तो हम सीधी सी बात करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट अगर पाया जाता तो हम क्या कहते, तो स्याणा बैक्टीरिया मैंने क्या बताया, साइनो बैक्टीरिया क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। सिंपल सा आपने मोनेरा के अंदर ये बताएंगे कि ये प्रोक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर सारे के सारे प्रोक्रियाटिक होते हैं, यूनिसेलुलर हैं, कुछ क्लस्टर चेन और कॉलोनीज में रहते हैं। दो किस्म के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, बैक्टीरिया ये हेटरोट्रॉफ है और साइनो बैक्टीरिया क्या, ये ऑटोट्रॉफ होता है, स्याणा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्जी। अच्छा, इसके बाद ना इसकी जो सेल वाल होती है वो किसकी बनी होती है, जो मोनेरा की सेल वाल होती है ना, वो आगे भी हम पढ़ेंगे और यहाँ पे भी मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, वो बनी होती है बच्चे पेप्टाइडोग्लाइकन की। किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की। ये आपने जो है ना याद कर लेना है, पेप्टाइडोग्लाइकन की इसकी जो है ना सेल वाल बनी होती है, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन की इसकी सेल वाल बनी होती है। अब पेप्टाइडोग्लाइकन क्या चीज है, इसको आपने पहले समझ लेना है, फिर आगे जो है ना हम इसको डिटेल। पेप्टाइड बच्चे कहते हैं, पेप्टाइड जो होते हैं ना, दो जो अमाइनो एसिड होते हैं ना, प्रोटीन किसकी बनी होती है, अमाइनो एसिड की। अब आपने ये देख लेना है, ये प्रोटीन किसकी बनी होती है, अमाइनो एसिड की, ए ए अमाइनो एसिड है। अब ये जो दो अमाइनो एसिड है ना, उनके दरमियान में जो बॉन्ड होता है ना, ठीक है, जो इनको दोनों को लिंक करता है या जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड। क्या कहते हैं बच्चे, पेप्टाइड। तो यानी जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो प्रोटीन की, और ग्लाइकन होता है जो बॉन्ड होता है प्रेजेंट बिटवीन द
या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट के दरमियान में, तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। ग्लाइकन होता है द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इसे कहा जाता है या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहा जाता है। और पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, जो कि हमारे पास दो अमाइनो एसिड के दरमियान में प्रेजेंट होता है। सिंपल सा आपने ये मोनेरा अभी हमने खत्म किया कि मोनेरा को आपने ये डिस्कस कर लेना है, याद कर लेना है। इसी तरह पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसी तरह ग्राफ ये जो है पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह मतलब इसमें जो वर्डिंग है उसको चेंज नहीं करना, ठीक है। मतलब यही जो है ना आपने कोशिश करनी है कि वर्डिंग मतलब चेंज का मतलब ये है कि आप बैक्टीरिया की जगह यहाँ पे फंजाई के बारे में नहीं लिखना शुरू कर देना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास जो किंगडम आएगा ना वो क्या है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को भी हम डिटेल में पढ़ें, पिछले जो हम टू किंगडम पढ़ा थ्री किंगडम पढ़ा उसमें हमने ना इनकी डिटेल नहीं पढ़ी, सिर्फ प्रोटिस्टा हमने नाम दिया, ठीक है, प्लांटाई नाम दिया, लेकिन अभी जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब ये बेटा आपने देखना है कि हमारे पास जो है ये प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जो है ना इसमें सारे के सारे यूक्रियाटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब नहीं यूनिसेलुलर सारे तो नहीं होते, कुछ होते हैं यूक्रियाटिक यूनिसेलुलर, कुछ होते हैं सिंपल मल्टीसेलुलर। अब आपने ना इसमें जो है प्रोटिस्टा के अंदर तीन किस्म के ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो एलजी होता है यानी प्लांट लाइक होता है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट प्रोटोजोन, और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट जो है ना होता है स्लाइम मोल्ड या वाटर मोल्ड। इसको हम साइड पे हम लिख देते हैं, ठीक है। क्या बहुत बात की बच्चे, प्रोटिस्टा के अंदर प्लांट लाइक क्या होता है बेटा, प्लांट लाइक। दूसरा हमारे पास प्लांट लाइक एलजी है, कौन सा होगा, एलजी जो होता है ये प्लांट लाइक होता है। इसके बाद हमारे पास जो है कौन सा आ जाएगा, प्रोटोजोन जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक जिसमें युग्लिना होता है, ये क्योंकि सेल वॉल इसके अंदर नहीं होती, एनिमल लाइक है प्रोटिस्ट है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसकी एग्जांपल आप अमोइबा पैरामीशियम युग्लिना वगैरह, ये इसकी एग्जांपल है ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लांट लाइक के बाद एनिमल लाइक के बाद फंजाई लाइक, कौन सा होगा बेटा, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। यानी प्रोटिस्ट के अंदर तीन किस्म के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, प्लांट लाइक जो एलजी है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट अमीबा पैरामीशियम युग्लिना वगैरह, और जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं वो हमारे पास उसकी एग्जांपल हम जो है बात कर रहे हैं वाटर मोल्ड और स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। ये आपने सिर्फ एग्जांपल याद करनी है, बाकी इसको जो है ना आपके कोर्स का आप इस समझ लें कि 9th-10th में इतना ज्यादा ये इसके ऊपर पूछा नहीं जाता, सिर्फ आप एग्जांपल लिखते हैं वाटर मोल्ड्स और दूसरे नंबर पे क्या होगी, स्लाइम मोल्ड्स। अच्छा, ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या, एलजी हो गई, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की हमने एग्जांपल पढ़ ली। अच्छा, अब इसके बाद आपने ये देखना है कि किंगडम प्रोटिस्टा में सारे के सारे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंपल मल्टीसेलुलर होंगे, थ्री मेन टाइप्स हैं, यानी प्लांट लाइक एलजी, एनिमल लाइक प्रोटोजोन, और फंजाई लाइक हमारे पास स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड। ये आपने सबने नोट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो एलजी है ना ये यूनिसेलुलर होते हैं, बहुत से एलजी के यूनिसेलुलर, कुछ होते हैं कॉलोनियल फॉर्म में या सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं। सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब क्या है कि इनके अंदर जो है ना सेक्स जो ऑर्गन्स होते हैं वो नहीं होते। सिंपल मल्टीसेलुलर मीन दे डू नॉट हैव सेक्स सेल या सेक्स ऑर्गन, और एम्ब्रियो फॉर्मेशन इनकी लाइफ के अंदर नहीं होती। हालांकि ये इनके अंदर सेलुलोज पाई जाती है, इनकी सेल वॉल होती है, सेलुलोज वगैरह पाया जाता है, लेकिन फिर भी इनको हम प्लांट में क्यों नहीं कंसिडर करते, क्योंकि इनके अंदर मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं है और एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है कि एलजी जो है प्लांट लाइक, इसके अंदर ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, लेकिन इसको क्यों हमने प्लांट टाइप के अंदर नहीं रखा, क्योंकि इनके अंदर मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, और एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती, जबकि प्लांट के अंदर मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है। प्रोटोजोन जो है सेकंड वन आ जाएगा, प्रोटोजोन, ठीक है, प्रोटोजोन एनिमल लाइक होते हैं, इनके अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती, लैक सेल वॉल और क्लोरोफिल नहीं होती, क्लोरोफिल भी नहीं होता और सेल वॉल भी नहीं होता। और जो ये जो होते हैं ये फंजाई लाइक होते हैं, एग्जांपल इसकी वाटर मोल्ड और स्लाइम मोल्ड, ठीक है, होते फंजाई की तरह है लेकिन फंजाई नहीं है, ठीक है, यानी प्लांट्स की तरह है एलजी लेकिन प्लांट्स नहीं है, और एनिमल्स की तरह है लेकिन एनिमल नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो आ जाता है बच्चों के फंजाई, क्या चीज आ जाएगा, फंजाई आ जाएगा। अब फंजाई क्या चीज है, ये किंगडम फंजाई थर्ड किंगडम यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम, सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं, जिस तरह यीस्ट है, ठीक है, जो यीस्ट है वो हमारे पास क्या होता है, यूनिसेलुलर फंजाई है। अच्छा, कुछ हम बात कर रहे हैं, ज्यादातर हमारे पास कौन से होते हैं, मल्टी सेलुलर, और कुछ क्या है चीजें, जिस तरह यीस्ट है ये हमारे पास यूनिसेलुलर है। इट इंक्लूड द यूक्रियोटिक, देखें हमने बात की जो मोनेरा है उसमें प्रोक्रियोटिक है,
बाकी जितने भी हमारे पास किंगडम है उन सब के अंदर यूकैरियोटिक है, बाकी जितने भी किंगडम है उन सब के अंदर क्या होता है हमारे पास यूकैरियोटिक। तो किंगडम फंजाई के अंदर ये मल्टी सेलुलर हेटरोट्रॉफ्स हैं, यानी कि ये एट्रोट्रॉफ का मतलब क्या है कि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और मल्टी सेलुलर है यानी एक से ज्यादा सेल्स के बने हुए हैं और एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। फंजाई का जो है हम लिखते हैं कि ये फर्स्ट क्या करता है बच्चे, डाइजेस्ट करता है देन इंजेस्ट करता है। पहले ये मटेरियल को डाइजेस्ट करेगा, डिकम्पोज करेगा, ये फर्स्ट क्या कर रहा है डाइजेस्ट कर रहा है और उसके बाद क्या करता है देन इंजेस्ट। कैसे अभी इसको आपने समझना है, फर्स्ट डाइजेस्ट देन इंजेस्ट, इसको आपने समझना है कि ये देखें जहां पे भी फंजाई का स्पोर जाके गिरता है ना, ठीक है ये फॉर एग्जांपल फंजाई का स्पोर गिरा और ये पूरी जो इसके ये ऑर्गेनिक मटेरियल है उसके ऊपर गिरा, ठीक है ये ऑर्गेनिक मटेरियल है। अब ये जो है ना फंजाई अपनी बॉडी से ना एंजाइम्स क्रिएट करता है और ये अपने इर्द गिर्द के मटेरियल को पहले क्या करेगा डिकम्पोज करेगा, डाइजेस्ट करेगा, डिकम्पोज करेगा फिर क्या करेगा या डाइजेस्ट करेगा, ये एंजाइम इसके बॉडी से स्क्रीट हो रहे हैं। अब जब एंजाइम इसकी बॉडी से स्क्रीट हो गए ना तो ये क्या करेगा कि ये जो मटेरियल डिकम्पोज हुआ है ना उस मटेरियल को अपटेक करेगा, उस मटेरियल को क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा। फंजाई बचे पहले फर्स्ट डाइजेस्ट किया और देन उस मटेरियल को एब्जॉर्ब करके और फिर अपने बॉडी का साइज क्या करता जाएगा इसको ग्रो करता जाएगा, अपनी बॉडी के साइज को क्या करता जाएगा इस तरह करके ग्रो। फर्स्ट इसने क्या किया मटेरियल को डाइजेस्ट किया देन इंजेस्ट करके और फिर जो है अपने साइज को क्या करेगा ग्रो करेगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन बता दिया, मोस्ट फंजाई या डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या है कि ये ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है उसको आप ही समझ उसकी तोड़ फोड़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक मटेरियल फंजाई को क्या चीज चाहिए होती है अपनी, एक तो ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कार्बन चाहिए होता है, ठीक है ऑर्गेनिक मटेरियल में कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है क्या चीज पाई जाता है कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है या हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स पाए जाते हैं। तो फंजाई एक तो आपने ये याद रखना है एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एग्जांपल मशरूम से, एग्जांपल क्या है इसकी मशरूम, ये नीचे अगर आप जाएंगे ना तो नीचे आपको मशरूम की जो है ना डायग्राम ही नजर आ जाती है, ये आपको सामने मशरूम की डायग्राम नजर आ रही है इस तरह करके, ये प्लांट लाइक आपको नजर आते हैं लेकिन प्लांट्स नहीं होते क्योंकि ये हेटरोट्रॉफ है, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये जहां पे भी रहेंगे वो आप देखेंगे इर्द गिर्द का मटेरियल डिकम्पोज कर रहे होंगे, ठीक है। और दे है मल्टी सेलुलर सेक्स, ये ऊपर आ जाए, मोस्ट फंजाई या डिकम्पोजर दे लिव ऑर्गेनिक मटेरियल स्क्रीट और डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अब्सॉर्ब स्मॉल, ये मैंने आपको भी समझा दिया, ठीक है। फंजाई सारे के सारे क्या चीजें डिकम्पोजर्स होते हैं और इनके सेल के बाहर जो सेल वॉल है वो काइटन की बनी हुई है। बैक्टीरिया की सेल वॉल हमने पढ़ा पेप्टाइडोग्लाइकन की, एनिमल के सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती। फंजाई की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है काइटन की बनी होती है, किसकी बनी होती है काइटन, ठीक है काइटन। अच्छा इसके बाद हम प्लांट्स पे आ जाएंगे, किंगडम प्लांट टी या प्लांट आई, इट इंक्लूड द ये सारे के सारे क्या चीजें यूकैरियोटिक, सब मल्टीसेलुलर है, इसमें कोई प्लांट आपको यूनिसेलुलर नहीं नजर आएगा। फंजाई मैंने बताया आपको एक यूनिसेलुलर मिलेगा जीस्ट वगैरह, लेकिन प्लांट्स के अंदर आपको कोई यूनिसेलुलर नहीं मिलेगा, सारे के सारे के हैं मल्टीसेलुलर। जो प्लांट्स है सबके सब प्लांट ऑटोट्रॉफ होते हैं यानी अपना फूड ये खुद प्रिपेयर करते हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं करते, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में हमारे पास बच्चे प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं CO2, ठीक है उसके बाद ये वाटर यूज करते हैं और सनलाइट CO2, उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ यूज कर रहे हैं वाटर, ठीक है पानी, पानी कहाँ से आ रहा है वो अपनी रूट्स से जो है ना उसको जाइलम के थ्रू अपटेक कर रहे हैं। और फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे, पत्तों के अंदर, प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे हैं, वाटर को यूज कर रहे हैं और सनलाइट, और जो सनलाइट है उसके बाद ये बनाते क्या हैं ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं और जो हमारे पास वाटर एज ए जो है ना बाई प्रोडक्ट ट्रांसपायरेशन के थ्रू वो रिलीज होता रहता है। अच्छा इसमें ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट होती है यानी ऑक्सीजन बनाती है और हमारे पास दूसरे नंबर पे क्या चीज बनती है C6H12 ग्लूकोज बनता है, ठीक है हमारे पास क्या चीज बनेगी ग्लूकोज बनेगा, सिंपल सा हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारे पास ग्लूकोज बनेगा। अच्छा ये जो प्लांट्स हैं सारे के सारे प्लांट्स हमारे पास हमने क्या बात की कि ये ऑटोट्रॉफ हैं, क्या चीज है ये ऑटोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या है कि ये अपना फूड बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सनलाइट यूज करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये आपने देखना है कि इसमें एग्जांपल क्या है, प्लांट्स को ना दे हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन, ऊपर हमने पढ़ा है कि जो फंजाई है नहीं एल्जी है उसके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं होते, ठीक है अगर उसके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन या एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती तो उनको भी किंगडम प्लांटाई के अंदर रखा जाता, लेकिन उनके अंदर नहीं है। एग्जाम्पल बच्चे इसके अंदर मॉसेस, फर्न्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, बहुत से जितने भी प्लांट्स हैं सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं किंगडम प्लांटाई के अंदर, ऑटोट्रॉफ है। इनकी सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी हुई है, काइटन की। प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की। और जो एनिमल्स है उनके बाहर सेल वॉल या उनके सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती। अब एनिमिलिया किंगडम पढ़ेंगे, इट इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर,
कंज्यूमर का मतलब क्या है कि ये कंज्यूम करते हैं, ये ऑटोट्रॉफ नहीं है, हेटरोट्रॉफ है, कंज्यूमर है, ठीक है। और एनिमल लिव मोस्टली बाय इंजेस्टिंग, इंजेस्ट करते हैं, फर्स्ट बच्चे इंजेस्ट करते हैं, और इंजेस्ट करने के बाद फूड जो है ना ये अपने स्पेशलाइज्ड कैविटी, कैविटी जो है ना अगर हम बात कर रहे हैं इस तरह करके ना, हमारे पास स्टमक होता है इंसान की बॉडी के अंदर, बाकी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ना हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जो है ना वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है, लेकिन जो लोअर एनिमल्स हैं जो कि छोटे ग्रुप्स वाले हैं उनके अंदर इतना कोई वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं मौजूद होता। तो ये हमारे पास क्या चीज है बच्चे, स्टमक है, स्पेशलाइज कैविटी, कैविटी कहते हैं खाली जगह को, स्पेस को, स्पेस को। तो एनिमल्स लिव मोस्टली बाय इंजेस्टिंग फूड, फूड को क्या करते हैं इंजेस्ट करते हैं, देन फिर क्या कर रहे हैं ये कि डाइजेस्ट कर रहे हैं, पहले इंजेस्ट करते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं। स्टमक का जो काम है, जो मैदे का काम है, वो फूड को स्टोर करना और फिर इसको जो है पार्सली डाइजेस्ट करते हैं, बाकी आगे हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉपर डाइजेशन होती है। अच्छा, दे लैक सेल वॉल, इनके सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती, और शो मूवमेंट, मूवमेंट में दो टाइप्स आ जाती हैं, एक लोकोमोशन, लोकोमोशन में जिसमें लोकेशन चेंज होती है, लोकोमोशन में लोकेशन चेंज होती है, और जो दूसरा है मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है, जिस तरह प्लांट्स के अंदर जो है मूवमेंट उसकी बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म, जो स्टेम है वो लाइट की तरफ मूव कर रही है, हाइड्रोट्रॉपिज्म जिसमें जो रूट होती है वो पानी की तरफ या सॉइल की तरफ मूव करती है। अच्छा, इसके बाद बेटा हमने जो आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट डायग्राम आपने देखी है कि इसको आप समझ लें और फिर आप जो चीज़ पूछना चाहे पूछ सकते हैं। ये मोनेरा है हमारे पास, इसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है हेटरोट्रॉफ, और साइनोबैक्टीरिया बड़ा सियाणा है, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करता है, क्यों इसके अंदर क्लोरोफिल है। इनसे प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंदर आपको ना ये अमीबा नजर आ रहा है, ठीक है, और इसके बाद जो है ना ये आपको यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म या अमीबा नजर आ रहा है, और ये दूसरे जो है ना प्लाज्मोडियम वगैरह ऑर्गेनिज्म जिस तरह नजर आ रहे हैं। इनसे एनिमल्स बने, ठीक है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट से एनिमल इवॉल्व हुए, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट से प्लांट इवॉल्व हुए, और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट से फंजाई। लास्ट जो है ना इसके अंदर एक टेबल देख लेना है, और टेबल के बाद जो है ना फिर टॉपिक ये एंड हो जाएगा जी। मोनेरा जो है ना, मोनेरा आपने इसको देखना है कि ये जो मोनेरा है ये हमारे पास सिर्फ प्रोक्रियाटिक है, सिर्फ मोनेरा प्रोक्रियाटिक है, बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे यूक्रियाट है, यानी उनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस वेल डेवलप ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटाई और एनिमलिया यूक्रियाटिक है। मोनेरा के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप बचे जो एब्सेंट है, बाकी सब के अंदर प्रेजेंट है, यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट है सबके अंदर। अच्छा, मोनेरा की जो सेल वॉल है वो मैंने बताया था पेप्टाइडोग्लाइकन, यानी पॉलीसेक्राइड, जो ये कार्बोहाइड्रेट है और प्लस अमीनो एसिड की बनी हुई है। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है, इट इज अ नॉन सेलुलोज, यानी पॉलीसेक्राइड ये है, इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड। मैंने आपको बताया था पेप्टाइड मीन, जो पेप्टाइड है वो अमीनो एसिड के दरमियान में जो बॉन्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड, ठीक है। और जो ग्लाइकन होता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है कार्बोहाइड्रेट के दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होता है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन इससे बना है, इट इज अ मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड एंड प्लस अमीनो एसिड। सारे के सारे कुछ ऑटोट्रॉफ है साइनोबैक्टीरिया, हेटरोट्रॉफ है बैक्टीरिया, ठीक है, मल्टी सेलुलरिटी इसमें कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं होता। प्रोटिस्टा सारे के सारे न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन सम फॉर्म सेल वॉल, एलजी के अंदर है, लेकिन जो दूसरा प्लाज्मोडियम वगैरह उनके अंदर या फिर यूग्लिना के अंदर सेल वॉल नहीं है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर सेल वॉल नहीं है। कुछ बच्चे फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ जो है ना हेटरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कुछ कॉम्बिनेशन यूग्लिना जिस तरह, ठीक है, ऑटोट्रॉफ भी और हेटरोट्रॉफ भी। और मल्टी सेलुलरिटी इनमें क्या एब्सेंट है, ठीक है, फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी हुई है, काइटन की बनी हुई है, एब्जॉर्प्टिव फर्स्ट डाइजेस्ट एंड इंजेस्ट। और मल्टी सेलुलरिटी मोस्ट फॉर्म में प्रेजेंट है, यीस्ट के अंदर जो है ना यूनिसेलुलर है। प्लांटाई जो है ना ये सेलुलोज होती है या पॉलीसेक्राइड, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट की टाइप है, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट की टाइप है या पॉलीसेक्राइड, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है, ये आप आगे चल के पढ़ेंगे पॉलीसेक्राइड क्या होता है, जिस कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है, सेलुलोज भी पॉलीसेक्राइड है। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसके बाद प्रेजेंट इन ऑल फॉर्म, हर फॉर्म के अंदर जो है ना ये मल्टी सेलुलरिटी प्रेजेंट होती है, कोई भी ऐसा प्लांट आपको नहीं नजर आएगा जो यूनिसेलुलर होगा। और एनिमिलिया सारे के सारे बच्चे हमारे पास उनके अंदर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट, ठीक है, इंजेस्टिव एट्रोट्रॉफ है, यानी पहले इंजेस्ट करते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं, और प्रेजेंट इन ऑल फॉर्म मल्टी सेलुलर, कोई भी एनिमल आपको यूनिसेलुलर नहीं मिलेगा, जो यूनिसेलुलर एनिमल लाइक है वो हमारे पास प्रोटिस्टा के अंदर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आज हमारा टॉपिक था, इंशाल्लाह जो है आगे हम बाद में अगला टॉपिक करेंगे, और